ॐ गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ हरये नमः। शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। कल्याणरूपं आनन्दकन्दं धरामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं न जानामि ध्यानं पाशुपतिरूपं गुरुदेवं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ॐ हरि हरि ॐ हरि हरि गुरुमूरति मुख चंद्रमा सेवक नैनी चकोर। आठ पहर निरखत रहूं गुरुमूरति की ओर। हरि हरि ओ गुरु समान दाता नहीं। गुरु समान दाता नहीं। याचक शिष्य समान याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा तीन लोक की संपदा। सो गुरु दीनी दान सो गुरु दीनी दान। ज्ञान समागम प्रेम सुख ज्ञान समागम प्रेम सुख। दया भक्ति विश्वास दया भक्ति
भक्ति विश्वास गुरु सेवा से पाइए, गुरु सेवा से आइए, सदगुरु चरण निवास, सदगुरु चरण निवास, सेवा सुमिरन गुरु कृपा, सेवा सुमिरन गुरु कृपा, पार उतारण हार, पार उतारण हार, इनसे भव को पार कर, इनसे भव को पार कर, जीवन है दिन चार, जीवन है दिन चार, खाते खाते दिन गए, खाते खाते दिन गए, सोते सोते रात, सोते सोते रात, साधक कबहु न कीनी, साधक कबहु न कीनी, प्रभु मिलन की बात, प्रभु मिलन की बात, सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, करे शब्द की चोट, सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की खोट, हरे भरम की, हरि हरि ओ, आज परम सौभाग्य है अकोटा वासियों का, आकोट आकोट है ना, आकोट वासियों का, कि पूज्य बापू जी कि पदार्पण आज पहली बार आकोट में हुए हैं। कल से गांव में, कल भी था और परसों भी, और विशाल भीड़ थी वहां पे। तो आज सबको शास्त्रों में आता है कि संत दर्शन, सदगुरु का दर्शन भी भगवान की कृपा से ही होता है, अपनी स्वेच्छा से नहीं। हमारे कोई ना कोई पुण्य जागृत होते हैं, तभी भगवान प्रेरणा करते हैं सदगुरु चरण में जाने के लिए। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावहिं वेद पुराण, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि भगवान तभी कृपा करते हैं, तभी करुणा करते हैं कि अब हमें मोक्ष के द्वार का रास्ता मिल जाए। इसलिए ईश्वर कृपा करके सदगुरु के चरणों में प्रेरित करके भेज देते हैं, क्योंकि मोक्ष का द्वार सदगुरु के चरणों से ही शुरू होता है। इसलिए हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वैदिक काल, ऋषि मुनियों का जो भी रहा, उसमें हर युग में भगवान स्वयं आए, तो भगवान भी गुरु के चरणों में जाकर के, गुरुद्वार पे सेवा करके और मोक्ष देने वाला वो तत्व ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है, उस ज्ञान को सुनकर के ही अपने जीवन को उन्होंने अग्रसर किया। तो हर युग में भगवान ने हमें यही प्रेरणा दी है
कि जब जीव अनेक अनेक जन्मों से घूमते घूमते हर युग में, एक तो दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन और क्षणभंगुर है, लेकिन इस क्षणभंगुर देह में सबसे अधिक दुर्लभ है सद्गुरु की प्राप्ति। और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर कृपा से अति कृपा होती है ईश्वर की, तब वो प्रेरित करते हैं। तो आज आकोट वासियों का परम सौभाग्य है बापूजी के दर्शन सत्संग आशीर्वचन सबको सुनने को और दर्शन करने का पुण्य लाभ सबको मिलेगा। सब मिल करके थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करके अपने जीवा को पावन करेंगे, दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाकर अपने हाथों को पावन करेंगे। हरि ओ हरि ही।